नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रफीदी कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं PHIC 134 के यूनिट 1, और ये पार्ट 4 है। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं आपका सोशियो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है कैसा रहा ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, जबकि मुगल स्ट्रक्चर एक तरीके से बोला जा रहा कोलैप्स हो रहा था, तो उस समय सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट कैसा था वो हम आज यहाँ देखेंगे। देखो, इसको इसके बारे में भी एज यूजुअल, जैसा कि आप जानते हो, हिस्टोरियंस के अपने अपने पर्सपेक्टिव है, अपना अपना मत है इन सब के बारे में। तो हम हर हिस्टोरियन को कवर करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या सोचना था, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। इसमें कई सारे जाने माने नाम हैं, बहुत ही आप फ्रिक्वेंटली नाम पढ़ते रहोगे हिस्ट्री में, जैसे स्टीफन ब्लेक है ना, एम एन पियर्सन है, मुजफ्फर आलम है, और आपके सी ए बेली हैं। ठीक, ये सब जाने माने हिस्टोरियंस हैं जिनके बारे में आप आगे भी बहुत बार नाम सुनोगे, इन लोगों का भी सुनते ही रहोगे बीए और एमए में। तो ठीक, तो देखो, उस ज़माने में मेन जो लैंग्वेजेस थी वो कौन सी थी, मेन पर्शियन लैंग्वेज थी मुगल के टाइम में, है ना। तो ज़्यादातर जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है वो कहाँ से आपको मिलेगी, पर्शियन लिटरेचर से ही मिलेगी। ठीक है, और इनकी स्टडी करने से पता चला कि देखो, जब अम्पायर का ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स नहीं हुआ, है ना, धीरे 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 करके एक सिस्टम ख़त्म हुआ और दूसरा सिस्टम उसके जगह पे आना शुरू हो गया, है ना। और इन सब के बारे में अलग अलग सबका मत है हिस्टोरियंस का। कुछ कहते हैं कि देखो, जो मुगल सिस्टम्स थे उनमें अपने में ही कमियाँ थी, जो नोबल्स थे, है ना, और नोबल्स के बीच में फैक्शंस बनने लग गए, और कहीं ना कहीं जो मनसबदारी सिस्टम था, जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम, उसमें भी कमियां उभरने लग गई थी। क्योंकि जब औरंगजेब का रूल था तो उस ज़माने में उतनी ज़्यादा जागीरदारी और मनसबदारी लोगों को नहीं दी जा रही थी जितना लोग डिज़र्व करते थे, और कहीं ना कहीं सबकी जो जागीर थे वो कम होते जा रहे थे। तो हर जागीरदार अपनी जागीर बचाना चाहता था, और उसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए कई बार वो सेंटर से भी लड़ जाते थे, है ना। और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बात है कि वो किस तरीके से लड़ सकते हैं, डिफाई करेंगे, उनको रेवेन्यू कम भेजेंगे, या फिर हेल्प नहीं करेंगे, मिलिट्रली हेल्प नहीं करेंगे, है ना, यही सब करेंगे। और उसने बड़ा रोल प्ले किया आपका सिस्टम को कमज़ोर करने में। इसी तरीके से जो लोकल थे ना एलिट्स, वो कहीं ना कहीं उभरने लग जाते हैं। अब देखो, ऐसा तो था नहीं, एम्पायर में सेंट्रलाइज सिस्टम था, तो उनके हर प्रोविंसेस में अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे, है ना। उस ज़माने में सूबा बोला जाता था, तो हर जगह सूबेदार होते थे। और अब देख लो, जैसे अवध है ना, अवध, बंगाल और साउथ के, ये सब के सब राजपुताना में हर जगह थे उनके रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो जो लोकल एलिट्स थे वो लोगों ने क्या किया कि जब वो देखे कि हाँ, सेंट्रलाइज सिस्टम कोलैप्स करने लग गया है, तो वो लोग अपने आप को अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मिलिट्रली और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। और जो रिसोर्सेज वो कहीं ना कहीं सेंट्रल अम्पायर को भेजते थे, है ना, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में उन्होंने लगा दिया। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि हर जगह जो एलिट क्लास था वही सत्ता में बैठा, जैसे कि कुछ जगह में एलिट क्लास बैठा, कुछ जगह में नॉर्मल जो पीजेंट्री वर्क था उसने भी सत्ता में पार्टिसिपेट करता है बाद में। फॉर एग्जांपल आप अवध देखो, तो अवध में तो अपर स्ट्रेटा ही था जिसने कि कब्जा किया सत्ता पे, लेकिन कई जगह में सबल्टन एलिमेंट्स भी थे, जैसे कि पंजाब में जाट पीजेंट्री ने, बंगाल में सटगोप जमींदार थे, उन्होंने कब्जा किया, है ना, पावर में आ गए वो लोग। जो मर्चेंट्स और बैंकर्स थे उस ज़माने में, उन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि मर्चेंट्स भी चाहते थे हाँ भाई, उनको भी पावर मिले, क्योंकि उनके पास पैसा तो था, बट क्योंकि लोग पावर हमेशा
जो इम्पीरियल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास थी, तो वो चाहते थे हाँ कि ऐसा बंदा हो जो हमारी सुने, है ना। मर्चेंट्स वगैरह तो यही चाहेंगे ताकि उनका फ़ायदा हो, टैक्सेस कम हो। तो उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत फंडिंग वगैरह की और लोकल जो भी सामने आया लीडर उसको हेल्प की इन लोगों ने, ठीक है। तो सीए बेली जी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं, और जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम तो ऑब्वियसली एक जो कभी माना जाता था मुगल सत्ता की एक रीढ़ की हड्डी है, वो कहीं ना कहीं बाद में जाके उसकी एक कमजोरी भी बन जाती है। और हम सब जमींदारों के बारे में जानते हैं, जमींदार्स क्या थे, इंटरमीडिएट्स थे जो कि आपके रेवेन्यू कलेक्ट करके भेज देते सेंट्रल रेवेन्यू सिस्टम को। लेकिन ये अपने आप में एक लोकल लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो ये अपने आप को एक तरीके से पेटी किंग्स के तरीके से रहते थे अपने इलाके में, और इनका दबदबा बहुत ज़्यादा होता था उस इलाके में। अब नॉर्मली इनको हमेशा से दिखाया गया कि ये एक रूरल एक्सप्लॉयटर्स थे, लेकिन अब रिसेंट स्टडीज़ से पता चला कि नहीं, ये एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं करते थे, एक तरीके से वहाँ के फाइनेंसर्स थे, एंटरप्रेनर्स थे, कंज्यूमर्स भी थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में फाइनेंशियली हेल्प भी किया, मार्केट्स भी सेटअप किए, ट्रेडिंग भी वहाँ पे की, और जो उससे फ़ायदा उठता था ये इसका कैश में कंजम्पशन करते थे और कुछ पोर्शन आगे भेज दिया करते थे, है ना। तो इस तरीके से ये जो लोकल जमींदार थे ये अपने आप में बहुत पावरफुल होते चले गए विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये भी एक चुनौती बन गए सीधा सीधा मुगल अम्पायर के लिए। और ऐसे ही अवध में प्रोविंशियल सूबेदार्स वगैरह ने भी फ़ायदा उठाया, उन लोगों ने क्या किया कि एग्रेरियन यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस हैं, और उन्होंने सत्ता को हथियाने के लिए इसको एज अ एक्सक्यूज दिखाया और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। बंगाल में भी इसी तरीके से सूबेदारों ने किया, ठीक। अब जो ये पॉलिटिकल 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल जो उठापटक चल रही थी उसमें तीन टाइप के हम देखते हैं स्ट्रक्चर सामने उभर के आते हैं। पहला तो वो सक्सेसर स्टेट्स थे जो कि मुगल का जो स्ट्रक्चर था उसी को फॉलो करते हैं, ठीक। इनको वो कौन कौन थे, दक्कन, अवध और बंगाल, इन्होंने एज इट इज़ जो मुगल का चल रहा था सिस्टम उसी को अपनाया और अपना अपने अपने किंग बन गए और इलाके में चलाते रहे, ठीक। दूसरे कौन थे जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे मुगल एम्पायर से, उनका कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने उनके सिस्टम भी फॉलो नहीं किए, थोड़ा बड़ा किए होंगे बट ज़्यादातर हटा दिए। और ये लोग कौन थे, जैसे मराठा, जाट, सिख रजिम साइन, ये वो लोग थे। फिर तीसरे आते हैं जो बिल्कुल ही अलग पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स थे, और ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग थे जो छोटे छोटे लोकल प्रिंसिपैलिटीज़ थे, मुस्लिम्स की, हिंदूज की, ट्राइबल ओरिजिन्स की, ये अलग ही थे, है ना। गंगा जमुना दवाब में राजपूत्स थे जो, है ना, छोटे छोटे गुजरात से लेकर के अवध तक में इन्होंने अपना ही छोटे छोटे अपना प्रिंसिपैलिटीज खोल दिया, अपना अपना बना दिया, आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को दबाते रहते थे, छीनते रहते थे, एक दूसरे का इलाका कब्जा करते रहते थे, इनकी आपस ही में लड़ाई चलती रहती थी। फिर ऐसे हम जानते हैं दक्कन, मगध वगैरह तो सॉरी दक्कन, अवध और बंगाल वगैरह तो बड़े बड़े रीजन्स बनते हैं, है ना। उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, दक्कन, अवध, बंगाल वगैरह के बारे में। और मराठास के बारे में तो हर कोई जानता है, मराठा, जाट और सिख रजिम्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ा जाएगा, इन्होंने भी अच्छा खासा अपना सेटअप कर लिया था, ठीक। फिर 1680s में हम देखते हैं कि मुगलों ने कोशिश की कि नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का आज की डेट में, जैसे असम, मेघालय वगैरह है, तो उस साइड भी कोशिश की उन लोगों ने इंट्रूड करने की, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पे अहोम डायनेस्टी का राज चल रहा था और अहोम्स ने मुगल्स को कहीं ना कहीं रोक दिया, हरा दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। तो इस तरीके से वहाँ पर जो हिंदू ट्रेडिशन थी वो चलती रही, और आगे चल के ब्रिटिशर्स ने फाइनली एनेक्स किया वो एरिया और उसको मिलाया, ठीक। अगर साउथ की बात करें हम, तो साउथ में देखो पहले तो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी आपस में रहती थी, लड़ती रहती थी, लेकिन 1760s में जाकर के जब मैसूर एक बड़ा किंगडम बनता है तो वहाँ से फिर चीज़ें बदलती हैं। अब उससे पहले क्या था कि ज़्यादातर जो तेलुगु स्पीकिंग नायक्स थे, है ना, विजयनगर अम्पायर सिस्टम में
नायक थे, आपने पढ़ा होगा। तो उन लोगों ने ज़्यादातर अपना इलाका कर रखा था, अलग अलग छोटे छोटे बना रखे थे, नायक सिर्फ मेनली थे। फिर दूसरे थे पॉलीगर्स, पॉलीगार जो थे उन्होंने नायक्स के अंडर में अपनी टेरिटरी बना रखी थी, ठीक। फिर मालाबार कोस्ट की तरफ अगर हम देखें तो मालाबार कोस्ट में भी कुछ खास नहीं था, छोटी छोटी कोस्टल किंगडम्स थे और उनका कोलैबोरेशन था लैंड होल्डिंग ओनिंग हाउस होल्ड से, जिसको जैसे कि लैंड होल्डिंग हाउस होल्ड को आप इक्विवेलेंट मान सकते हो नॉर्थ इंडिया के जमींदार लोग से। तो छोटे छोटे कोस्टल किंगडम्स और लैंड ओनिंग हाउस होल्ड के बीच में प्रॉफिट और ट्रेड का चलता रहता था, ठीक। लेकिन बाद में फिर मैसूर स्टेट जो बनता है उसने यहाँ पे एक मोनार्कल सिस्टम स्टैब्लिश किया अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। तो ये आपका पूरा सोशियो इकोनॉमिक जो कॉन्टेक्स्ट था राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स के। अब अगले चैप्टर से हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा जो राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स हैं, एक एक करके हम सारा देखेंगे। यहाँ पे बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था वो आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।